बैक टू माय चैनल। आज वीडियो स्किन लाइटनिंग विषय अच्छी मुझे आपको एमती रेमेडी बतेबी जहाँ को यूज करके स्किन टोन लाइट आउ ब्राइट करें। जदि आपको रेगुलरली फॉलो करेंगे तेल आपको कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो तो चलो फ्रेंड्स यही स्किन लाइटनिंग रेमेडी कौन देख नवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योगर्ट आउ ओट्स को हमको समान भाव में नाक पड़ो। एवं आपको आम मिसई दबा आउ ये हो गला आमर स्क्रब रेडी। स्क्रब यूज कर आगु आपण फेस एकदम क्लीन हवा दरकार। मुझे स्क्रब हाथ में यूज करी आपड़ चाहिए ब्रश रे भी यूज करें। ए स्किन लाइटनिंग स्क्रब्रे मुझे योगर्ट यूज करना योगर्ट गोटे बहुत भल एक्सफोलिएंट। ए जो सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी से सब है लैक्टिक एसिड जी गोटे नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्साइड एसिड जी आम फेस रु सब डेड सेल को रिमूव कर कहीं आमको गोटे ब्राइट आउ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन मिल पार। सहित ए सेल्स रिन्यू भी साय जिते जल्दी आम सेल्स रिन्यू होता है से जल्दी आम स्किन यंग आउ फेयर लगी था। सबुठ जरूरी कथा ये आम मेलानिन प्रोडक्शन को अटकई थाए जहाँफल आम स्किन कॉम्प्लेक्शन सफा होता है। इथिरे विटामिन्स बी टू बी फाइव एंड बी ट्वेल्व रही था जहाँ भितर विटामिन बी टू माने रिबोफ्लाविन आमको गोटे ग्लोइंग हेल्दी स्किन प्रोवाइड करी था। आमर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स अच्छे ताकि ओट्स। ओट्स रे 18टा डिफरेंट एमिनो एसिड प्रेजेंट अच्छी हाँ आम स्किन बहुत बेनिफिशियल। ता सहित एथिरे गोटे एमिदी क्लींजिंग एजेंट अच्छी जी कि आम स्किन पोर्स को जाकि भितर डॉट रिमूव करें कहीं आमको गोटे क्लीयर आउ ग्लोइंग स्किन दरकार नहीं। सहित आमको क्लीयर कॉम्प्लेक्शन भी स्क्रब अप्लाय कर सारापर आपन को 10 मिनिट व्वेट करा पड़ो। 10 मिनिट पर हल्का हाथ में 2-3 मिनिट पर्यंत स्क्रब करेंगे कहीं आम एस प्रकार भी फाइन ग्रानुल्स यूज करना से आम डायरेक्टली आम फेस स्क्रब कले से आम 10 मिनिट पर्यंत मुहर लगे रखा दे कहीं योगर्ट आउ ओट्स काम करें। आपड़ मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेज़े सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करा समय पाखे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे जहाँफल मुझे भी नुआ अपलोड करी आप प्रथम नोटिफिकेशन जीव एवं मो वीडियो को लाइक करेंगे आदि चाहूँगी तेल आप फ्रेंड मान सहित सेयार करें। 2-3 मिनिट पर वाश करदे प्लेन व्वाटर। सेकेंड होची फेस मास्क। फेस मास्क में आम 2 टीस्पून ऑरेंज जूस 2 टीस्पून टमाटो जूस 1 टीस्पून लेमन जूस एंड 1 टीस्पून हनी। एबे ए सब गोटे बाउल नहीं जीवा आउ मिक्स करदे। आउ ये हेगला हमारे फेस मास्क रेडी। ये मास्क रा कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विड कहीं आम सब जूस नहीं छंती। जदि आपण को टिके ठीक बनैया को चाहूबे ताहले एथिरे बेसन ऐड करि परिबे। लेट्स मूविंग ऑन टू स्टेप 2 स्किन लाइटनिंग फेस मास्क। आपको आपण ब्रश नाले कॉटन बॉल रे अप्लाई करि परिबे। ए फेस मास्क रे मु ऑरेंज जूस आ लेमन जूस यूज करिछि। दुईटी भितर विटामिन सी रो कंटेंट बहुत हाई। विटामिन सी रे बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट थाए। आम स्किन में टायरोसिनेस नामक गोटे एंजाइम रही था जहाँकि मेलानिन प्रोड्यूस करें जहाँ कारण आम स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाए। आप चोपा छड़ा हो जाता आलू को बाहर किसी समय पर रखिदे था कि समय रहा तार कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाए। से हीपरि ये एंजाइम आम स्किन कॉम्प्लेक्शन को धीरे धीरे डार्क कर देता है। विटामिन सी ए एंजाइम प्रोड्यूस हाबाक रोकी थाए
आमर स्किन कम्प्लेक्शन को लाइट करिथाए एवं आमर स्किन टोन को भी इम्प्रूव करिथाए। सेथिपाई आमे एठारे ऑरेंज जूस आ लेमन जूस यूज करिछन्ते। आमे एठारे टमाटो भी यूज करिछन्ते। टमाटो गोटे ब्लीचिंग इफेक्ट प्रोवाइड करिथाए जहाँकि आमर उपरी स्किन आउ स्किन लाइटनिंग रे हेल्प करिथाए। टमाटो रे विटामिन ए अछि सेथिपाई से ताहा डार्क स्पॉट आउ ब्लीचिंग रिड्यूस करिथाए। एथिरे मैग्नीशियम भी अच्छे जहाँ आमर स्किन को रेडियंस आउ ग्लो प्रोवाइड करिथाए। को अप्लाई कर सारिबा परे हमको 10 मिनिट पई अपेक्षा करिया को पड़ियो। 10 मिनिट परे कोन आपन को आको वाश करिया को पड़ियो ना ए आपन परे करिवे आपन को आउ थरे यार आउ गोटे लेयर अप्लाई करिया को पड़ियो। आपन मो स्किन ने ग्लेज देखि परथिवे ए सब हनी पई हे छि इज ऑल बिकॉज़ ऑफ हनी। हनी एक मॉइश्चराइजिंग एजेंट जहाँकि आम स्किन और मॉइश्चर को लॉक करके रखी थाए आउ आम स्किन को हेल्दी सपल आउ हाइड्रेटेड रखी थाए। सहित ए डल आउ डैमेज स्किन को ब्राइटन करी थाए। आपण को रेगुलर यूज करिवे रेगुलर यूज आपंकर पूर्व भली स्किन रहिबनी काहेकि ना आपण को यूज कर सारा पर आपण के स्किन बहुत स्मूथ फेयर ग्लोइंग एमती लगे। तेणु मु कहबे आपण को यूज करंतु। आउ थे सेकेंड लेयर अप्लाई कर सारे आपण को आउ थे 10 मिनिट अपेक्षा करिया को पड़ो। 10 मिनिट पर आपण वाश करिवे। वाश कर सारे आपण को इंस्टेंटली गोटे ग्लोइंग ब्राइटर स्किन मिले भल रिजल्ट पाइबा आपण आपको 7 दिन यूज करिवे। ओके बाय टेक केयर।